पदक वीरों पर प्रहार, इसके लिए कौन है जिम्मेदार, लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ कृष्णेश माथुर। तो आधी रात को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश का सम्मान कलंकित हुआ। नेताओं की सियासत की वजह से पहलवानों के सम्मान पर चोट पहुंची है, उन्हें रोना पड़ा। 12 दिन से धरने पर बैठे पहलवान न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न्याय मिलने की जगह उनका धरना सियासत का केंद्र बनता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल बड़ा यही है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। और ये बड़ी खबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, उन्होंने कहा है बजरंग पुनिया ने कि हमारी लड़ाई को राजनीतिक मोड़ ना दिया जाए। वो इस बात को कह रहे हैं। पहलवान बजरंग पुनिया ने सभी से अपील की है, और अपील किया है कि हमारी लड़ाई को राजनीतिक मोड़ ना दिया जाए, राजनीतिक रंग ना दिया जाए हमारी लड़ाई को। हम पहलवानों की लड़ाई है, सीधे सरकार से है, हम न्याय चाहते हैं और चाहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी। जो नेता वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब ये बात सामने आ रही है कि इस धरने का सियासीकरण किया जा रहा है, तो इसीलिए बजरंग पुनिया को अपील करनी पड़ रही है कि जो भी नेता हमसे मिलने आ रहे हैं या धरने में शामिल आ रहे हैं, होने आ रहे हैं, तो वो इसका राजनीतिकरण बिल्कुल ना करें। काट के रोना नहीं, सिर में छोड़ के ठीक हो जाएगा, रोना नहीं, जल्दी लेके जाओ। ये दिन देखने के लिए मैडम लेके आए थे, देश के लिए, रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो ब्रजभूषण को इतने कांड कर रहा है, वो घर में मतलब जैसे सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो तो काट के पड़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे हैं सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्ती सो जाओ, मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है, इतनी इतनी इज्जत गिराओगे क्या? इन्हें बिगाड़ दिया भाई, सारा शुरू करा इन्हें, सारा झगड़ा इनका खड़ा हो रहा है। धक्का मार रहे हैं मेरे को, लड़कियों को धक्का मार रहे हैं, महिला को जबर गाती, यहाँ भी धक्का मार रहा था, इस आदमी ने मारे भाई, ये पुलिस वाला ने कहा है इस तरह पिया गई ना भाई, तीस आदमी की है, इन्होंने क्या सोचे साहब, गाली बकी, गाली मेरे को गई, इन्होंने बैठ की गाली दी मेरे को, मेरे मुंह पे हेलो ड्रिंक करने वाला गाली दे रहा सबको, एक मेरे भाई का सिर बोर्ड किया, इधर से कट गया, क्या खून आ रहा है उसको, मुंह उतर गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।